ये छोटी सी झलक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि लोग ऐसे भी रहते हैं। कहाँ जाएं गरीब लोग, पानी में जाते हैं, पानी में आते हैं। इस तरीके से जीने को ये ऐसे मजबूर हैं कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारी एनजीओ शकुंतला पुद्दार फाउंडेशन इन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है, इन बच्चों को एजुकेट कर रही है ताकि ये अपने भविष्य में अच्छा कल बना सके, अपना कोई स्थान हासिल कर सके। कितने साल की होगी नानी? 15-16 साल है ना। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये तो नहीं कि जबरदस्ती मम्मी पढ़ाती है, मैं खुद जाती हूँ, मन से इच्छा है। ये पूरा बड़ा हमारे एनजीओ का एक बड़ा स्कूल हो जिसमें पर्टिकुलर बच्चों को पढ़ाया जाए, इसी तरह के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पहले दिन भर आते थे, तो यहाँ पढ़ने के बाद फिर आपका बच्चा जाने लगे, तो बोलने लगे, सीखने लगे, लिखने लगे, सीखने लगे। मेरा नाम रूपाली है, मैं शकुंतला पोद्दार फाउंडेशन की विद्यार्थी हूँ। मैं पहले स्कूल नहीं जाती थी, इस एनजीओ में आने से मेरी किस्मत बदल गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत पिछड़े हैं, तो उन लोगों के लिए जो मैम ने कदम बढ़ाया है, हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आप लोग भी आइए, हमारे साथ मिलिए। हमारे देश में गरीबी और भूख की समस्या पहले से ही है, लेकिन इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये और ज्यादा हावी हो गई है। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या को समझें और उसका निवारण करें, उसका हल निकालें। हर रोज 250 से 300 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, उन तक पहुंचाया जाता है।